हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ वॉल सेज का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो वॉल से थोड़ा सा हटके है कि वाई स्टीम लाइन साइज इज यूसेफ। जो अपनी स्टीम लाइन होती है, स्टीम की कोई भी लाइन, चाहे वो लो प्रेशर स्टीम की हो, हाई प्रेशर स्टीम की हो, या कोई ऐसी लाइन जिसमें हॉट फ्लूड, जैसे हॉट लिक्विड, जैसे थर्मिक फ्लूड, थर्मिक ऑयल हुआ, जैसे कोई भी गर्म चीज जिस लाइन में एक्सपेंड मतलब फ्लो हो रहा है, वन प्लेस टू अनदर फ्लो, तो वो अधिकतर आप देखोगे कि उनकी जो है शेप है यू शेप में होती है या जिग जिग कंडीशन में होती है। उन्हें हम उन लाइनों को हम सी उन सब चीज़ों की जो लाइन होती है उसे हम सीधा क्यों नहीं बना सकते? हमारी जो स्ट्रीम की लाइन है वो सीधी क्यों नहीं रहती है? ऐसा क्या रीज़न है? तो चलिए उसे हम समझते हैं कि क्या ऐसा रीज़न है। दोस्तों, स्ट्रीम की लाइन हमारी जो टेढ़ी मेढ़ी है या यू शेप में है, उसे समझने से पहले आपको कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन समझना पड़ेगा कि कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है। दोस्तों चलिए हम इसे बताते हैं कि कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है। यह जो है इट इज़ अ चेंज इन लेंथ, यह किसी भी लेंथ में चेंज है, ऑफ एनी मेटल व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंज बाय 1 डिग्री। यानी कि किसी मेटल में अगर हम 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज करें, यानी कि किसी भी मेटल का टेम्परेचर या तो 1 डिग्री बढ़ा दें या 1 डिग्री घटा दें, तो उसके लेंथ में क्या चेंजेस आएगा, ये हमारा बताता है हमारा कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यानी कि जैसे आप जानते होंगे कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो ठंडियों में सिकुड़ जाते हैं और गर्मियों में एक्सपेंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, तो वैसे ही अगर हम 1 डिग्री कम करें किसी भी मेटल का टेम्परेचर, तो उनके लेंथ में, ओरिजिनल लेंथ में क्या इम्पैक्ट आएगा, या 1 डिग्री बढ़ा दें तो उनके ओरिजिनल शेप में क्या चेंजेज आएगा, ये सब हम जानते हैं कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, फॉर स्टील, स्टील की जो है जो लीनियर एक्सपेंशन क्या है, तो वो होती है 21 डिग्री पे 11 गुणे 10 पे -6 फीट। यानी कि जो अपनी स्टीम की लाइन कह लो या कोई भी हॉट लिक्विड को अगर ट्रांसफर करने की जो लाइन होती है, मैक्सिमम स्टील की होती है, एसएस स्टील, स्टेनलेस स्टील, तो अगर उसकी बात करें तो उसकी जो हमारा 1 डिग्री में अगर चेंजेस लाएं तो वो 11 × 10⁻⁶ फीट का उसमें उसके लेंथ में चेंजेस आएगा। यानी कि उतना वो एक्सपेंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो डिपेंड ये करता है कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। टेम्परेचर घटाओगे तो वो सिकुड़ेगी, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगी तो वो फैलेगी। तो अब एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं इसे और अच्छे समझने के लिए। एक हम ये लें कि इफ अ स्टील, एक क्वेश्चन है हमारा कि इफ अ स्टील रॉड मेजर एग्जैक्टली 9 फीट। एक हमारे पास स्टील रॉड है और वो 9 फीट लंबी है, पहले से ही मेजर करके हमने रख लिया कि 9 फीट लंबी है, और वो जो है कितने टेम्परेचर पे है दोस्तों, 21 डिग्री टेम्परेचर पे। एक रॉड है जिसे हम 21 डिग्री टेम्परेचर पे रखे हैं और वो उसकी जो लेंथ है 9 फीट है। वॉट इज द लेंथ, वॉट इज द इस्ट लेंथ एट 55 डिग्री। अब जो है 21 डिग्री पे तो वो 9 फीट की है, अब हमें क्या करना है कि पता करना है कि 55 डिग्री पे ये कितने फीट की हो जाएगी। तो चलिए इसे हम देखते हैं। दोस्तों, किसी भी लीनियर एक्सपेंशन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गुड़े लेंथ गुड़े राइज इन टेम्परेचर। तो आप जानते हो कि ये क्या कह रहा है कि स्टील रॉड है, स्टील रॉड की कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन कितना है दोस्तों, 11 × 10⁻⁶, और उसकी लेंथ, उसके ओरिजिनल लेंथ क्या है हमारे 9 फीट, और जो टेम्परेचर में चेंजेस आए हैं, डिफरेंस इन जो राइज इन टेम्परेचर है कितना बढ़ा, तो आप जानते हो कि 21 से वो 55 हुआ, यानी कि 34 डिग्री वो बढ़ा। तो बस आप मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 10⁻⁶ × 9,
और जो राइजिंग टेम्परेचर 34 डिग्री है, तो यानी कि वो अपना हो जाएगा, जो आएगा एक्सपेंशन आएगा वो आएगा 0.003366। अब दोस्तों अगर आपको पता लगाना है कि अब जो है जो सॉरी अब जो स्टील रॉड की एक्चुअल लेंथ क्या है, तो वो अब इसमें जुड़ जाएगी, अब वो हो जाएगी 9, और प्लस हमारा ये वैल्यू आ गया था 0.003366, यानी कि ये हो जाएगा न, न, ये हमारा हो जाएगा 9.003366, कितना ये फीट, इतनी अब इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब एक्सपेंड हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो बस कितने ओनली 34 डिग्री बढ़ाए हमने टेम्परेचर स्टीम जो स्टील की लाइन की, तो वो इतने एक्सपेंड कर गए। अब आप सोचो जो स्ट्रीम लाइन यूज होती है, तो स्ट्रीम लाइन का कभी कभी टेम्परेचर 540 तक होता है, 350 तक होता है, 250 तक होता है, यानी कि वो जो है कितनी मैक्सिमम टेम्परेचर तक हम उसमें स्टीम फ्लो कराते हैं उस पाइपलाइन में, और वो पाइपलाइन हमारी स्टील की ही बनी होती है, तो उस केस में जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होगा दोस्तों, लाइन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो है हमारी जो स्टीम की लाइन है या किसी भी हॉट लिक्विड की लाइन है, तो वो जिगजैग क्यों रखते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो है आपको तो थर्मल एक्सपेंशन समझ में आ गया कि क्या होता है, किसी भी चीज़ में अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं तो क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगी। अगर हम स्टीम की बात करें तो स्टीम की लाइन जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, और जब एक्सपेंड करेगी तो उसे चाहिए जगह, एक्सपेंड करने के लिए जगह चाहिए। जैसे दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूँ, ये हमारे पास सपोज करो कि ये स्टीम की लाइन आई, और ये यू शेप में इधर से आई और फिर ऐसे यू शेप में चली गई, ये सपोज करो कि ये स्टीम की लाइन है। तो दोस्तों ये पहले ऐसे इसे ऐसे बनाया गया था, ये यहाँ से स्टीम आई फिर यू शेप करके चली गई, सपोज करो ऐसे है। अब थर्मल एक्सपेंशन इसमें होगा क्योंकि स्टीम प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो है लेंथ में बढ़ोतरी होगी, यानी लाइन अब क्या होगी एक्सपेंड होगी, तो लाइन एक्सपेंड होगी तो इसे ये इजिली एक्सपेंड हो जाएगी, देखो इजिली से एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करते जाएंगे और जितना चाहो इसे एक्सपेंड करते जाओ, क्योंकि इसमें पूरा इसे जगह मिल चुका है, एक्सपेंड इजिली हो जाएगी। लेकिन अगर आप सपोज करो कि यू शेप नहीं है या जिगजैग नहीं है, आपने एक सॉलिड ही दे रखा है, मतलब एकदम लीनियर ही दे रखा है, मतलब बिल्कुल आप सीधी एकदम दे रखे हो, तो ये सीधी है, अब ये एक्सपेंड करेगी तो इसको जगह चाहिए, और जगह आपने कहीं दिया नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो इसमें जो है इसे तो आपने यू शेप बना दिए हो, तो पूरा इसमें पूरा यहाँ पे फैलने के लिए इसे जगह मिल रहा है, स्थान मिल रहा है, पहले ऐसे है तो ये इजीली एक्सपेंड कर जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मूवमेंट होगा यू विंड पे, मूवमेंट एक्सपेंशन हो जाएगा। लेकिन इसमें इसमें कहीं भी आपने नहीं दे रखे हो, तो ये जो है कहाँ से अगर एक्सपेंड होगी तो कहाँ इम्पेक्ट आएगा दोस्तों, एक तो यहाँ पे जहाँ से ये जुड़ी है, जैसे बॉयलर से निकल रही है तो बॉयलर की जो माउंटिंग है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैलेगी, और वो वहाँ से फट सकती है, वहाँ से लाइन फट सकती है, या उसे जहाँ भी कमज़ोर पार्ट मिला, चाहे बीच में मिला, ऊपर नीचे कहीं भी मिला, वहाँ से वो फट सकती है, क्योंकि एक्सपेंड होगी तो फैलेगी, फैलेगी तो कहीं से भी फैल सकती है। लेकिन इसमें बस जो एक्सपेंड होगा वो बस जो अपने बेंड है या वी सॉरी यू शेप बनाए वहीं पे एक्सपेंड होगा, और वहाँ पे इजीली वो एक्सपेंड हो जाएगी, और उसे उतना जगह मिल जाएगा कि वो और इक्विपमेंट में जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे उसे ब्रश न करें और लाइन ब्रश न हो। तो जो जिग जेग हम जो लाइन देखते हैं, स्ट्रीम की जो लाइन है हमारी जिग जेग ऐसे जा रही है, तो हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि जो 100 मीटर की जो लेंथ होती है, 100 मीटर पे एक यू शेप बना देते हैं, कि यहाँ पे जितना हमारा टेम्परेचर से एक्सपेंड होगा
तो ये थोड़ा सा फैल के इधर यहाँ पे आ जाएगी, जगह मिल जाएगा। और इसी तरह फिर 100 मीटर के उस पर फिर एक यूसेप बना देंगे यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे, तो वो क्या करेगा वहाँ भी जो है एक्सपेंड ये दब जाएंगे और हमारा जो है एक एक्सपेंड का वो मिल जाएगा, पाथ मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा और हमारी जो है लाइन ब्रस्ट होने से बच जाएगी। अब सपोज करो यहाँ पे ये सीधे आपने कुछ नहीं किया, ये स्ट्रीम की लाइन दे दी और एक यहाँ पे कनेक्ट पॉइंट दे दिया और एक यहाँ पे, अगर ये फैलेगी तो कहाँ इम्पैक्ट आएगा? सपोज करो जब फैलेगी तो क्रेक मतलब टेंशन तनाव पैदा होगा इनमें, तो ये यहाँ से भी ब्रस्ट हो सकती है, यहाँ से ब्रस्ट हो सकती है, यहाँ से ब्रस्ट हो सकती है, इसे फैलने के लिए जगह ही नहीं है। तो एक्सपेंड करने के लिए जो जगह चाहिए उसी को उस जगह को बनाए रखने के लिए हम किसी भी स्ट्रीम लाइन की जो शेप है उसे यू शेप में कर देते हैं या जिग जग कर देते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा समझ में आया होगा, और अगर ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से ट्राई करूँगा आपको समझाने के लिए। और जो भी है हम वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।